मैं इस बात को कबूल करता हूँ, जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। लोजपा रामविलास के सीटों के ऐलान के बाद चिराग पासवान पहली बार दिल्ली से पटना आए और साथ ही उनके साथ थे राजेश वर्मा, सांभवी चौधरी और बीना सिंह, जो वैशाली से उनको टिकट मिला है। ये तीन प्रत्याशी उनके साथ थे, साथ ही चिराग पासवान चौथे हैं और पांचवें जिनका नामांकन हो चुका है वह नहीं थे, मगर ये तीन प्रत्याशियों के साथ चिराग पासवान रवाना हुए हैं अभी पटना एयरपोर्ट से घर के लिए। तो उन तमाम चीज़ों पर जवाब दे रहे थे, चाहे वह वैशाली हो या फिर समस्तीपुर हो या फिर उनका जो खगड़िया लोकसभा जो उनके खाते में गई थी, उन तमाम चीज़ों पर कई बातें किए हैं चिराग पासवान। सुनते हैं अभी सभी बातें इस वीडियो में। जनशक्ति पार्टी रामविलास को 8 सीटों में संभव नहीं है कि आप सबको आप संतोष कर सके, ऐसे में पार्टी ने गहन चिंतन गहन मंथन के बाद जो पार्टी का फैसला हुआ है और पार्टी ने हर स्तर पर चिंतन किया है मंथन किया है, सर्वे के आधार पर फीडबैक्स के आधार पर, फीडबैक्स भी अलग अलग तरीके से संगठन के माध्यम से, फीडबैक्स हम लोगों ने मीडिया के साथियों के माध्यम से, स्थानीय वहाँ के लोगों के आधार पर, सो इन तमाम मेथड से इन तमाम क्राइटेरियाज को पार करते हुए टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। जो समय लिया गया है वो समय इन सर्वेस को कराने में, फीडबैक्स लेने में कराया गया है। और मैं पुनः दोहराता हूँ, मात्र 5 सीटों पर 500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं है, और जिन लोगों को नहीं मिला मैं उनकी नाराज़गी को भी मैं सम्मान देता हूँ। स्वाभाविक है, पार्टी से उम्मीदें होती हैं, पार्टी से अपेक्षाएँ आपकी होती है, और ये सवाल हर बार बरकरार रहता है। और ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही नहीं, कहीं पर भी चले जाइए ये सवाल हर बार बरकरार रहता है कि ये ही क्यों, ये आप किसी को भी देंगे ये सवाल उठेगा कि ये ही क्यों। अंतोगत्वा पार्टी ने जब तमाम विषयों पर चर्चा की है उसके बाद मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, पार्टी ने दो चीज़ों को प्रमुखता से उसका ध्यान दिया है, जहाँ युवाओं का रिप्रेजेंटेशन मजबूती से हुआ है। मैं मानता हूँ मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूँ मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है, नारी वंदन अधिनियम अभी पिछले सत्र में ही हम लोग लेकर आए हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, युवा बिहारी अपने आप को कहलाता हूँ, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए युवा बिहारी लिखता हूँ। मुझे खुशी है कि युवाओं की ये टीम है, यंग सोच है, फ्रेश आइडियाज़ हैं और पढ़े लिखे युवा। अगर मेरे जीजा जी का भी जिक्र आता है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि ये इनके जीजा हैं, पर उस व्यक्ति को आप देखिए, विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी खुद की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे शंभवी मेरे साथ हैं, वीना जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं, यहाँ पर सब पढ़े लिखे युवा चेहरे, ऐसे चेहरे जो जब भारत की संसद में जाएंगे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप सबसे मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ, ये वो खूबसूरत छवि है जो हम लोग को बिहार की प्रस्तुत करनी है देश और दुनिया के सामने। जब ये लोग जब जाकर वहाँ पर बिहार की बात को रखेंगे, आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को देखा जाता है, यह छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, इस छवि को बदलने के लिए ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को सामने आना जरूरी है। और मुझे लगता है ये खूबसूरत चुनाव पार्टी लोकतंत्र बचाने की, मैं इस बात को कबूल करता हूँ, आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और ये बात का एतराज़ मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा, इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही वीना देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था उस वक्त, ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया।
मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रहीं, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रहीं। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे थे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था कि आपको, कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उनकी सीट मिल रही है। उन्होंने तब लगाना शुरू किया। इनसे मैं ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि इन्होंने ईमानदार एक पश्चाताप इन्होंने किया और पार्टी ने उसको कंसिडर किया। राजनीति में एक बड़ा दिल रखना भी ज़रूरी है। जब आप लंबी राजनीति की सोच रखते हैं, छोटे दिल के साथ लंबी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे में हर वो व्यक्ति, भूल इंसान से ही होती है, बट अगर उस भूल को समय रहते सुधार लिया जाए, ऐसा नहीं कि भैया सारे दरवाजे खटखटा दिए और अब कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो आप समर्थन देने की बात करते हैं, इसको मैं नहीं मानूँ। पर हाँ, जो समय रहते जो वापस आ गए। और हाँ, इतना मैं पुनः मैं बोलता हूँ, वीना जी यहाँ हैं और मैं संभवतः उम्र भर इनसे वो शिकायत रखूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया था, पर आज अब ये आई हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, आज की तारीख में पार्टी से ऊपर कोई नहीं होता। आज की तारीख में जिस तरीके से, और मैं तमाम अपने उन संभावित प्रत्याशियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ जिनकी उम्मीदें थीं, जिनकी अपेक्षाएँ थीं, पर उन्होंने भी बहुत विनम्रता से उन्होंने पार्टी के इस फैसले को कबूला। उन्होंने इस बात को समझा कि मात्र 5 सीटों पर 50 लोगों को नहीं समाहित किया जा सकता। उन्होंने पार्टी पे विश्वास रखते हुए, कल दिन भर मेरी सबसे लगभग बातचीत हुई है, जिन जिन लोगों को भी, जिनके नाम संसदीय बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित थे, जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन तमाम लोगों ने भी पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया है। अब के बाद बिना इन सवाल जवाबों में उलझे हुए पार्टी पूरी तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने के प्रति संकल्पित है। 40 की 40 सीटें बिहार से जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये खुशी और गर्व की बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री, जिनको तीसरी बार हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरे हैं, जब मेरे प्रधानमंत्री जब बिहार की धरती पर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो वो मेरी कर्मभूमि जमुई से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले वो 4 तारीख को दिन में 12 बजे प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे। 4 तारीख को वहीं से वो चुनावी प्रचार की वो शुरुआत करेंगे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी, जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले वहाँ की सभा को हम लोग को मजबूत, बड़ा, खूबसूरत, पिछली बार की सभाओं की तस्वीरें अगर आप लोग के पास हो तो मुझे लगता है बिहार की सबसे बड़ी सभाओं में से वो एक थी। लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन की रैली हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं वो लोग, उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। अब मैं नाम लेकर स्पष्ट करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की को लेकर बहुत लोग चिंतित हुए कि भैया उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ गलत सलूक हुआ, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए, सुरेंद्र साहब के लिए, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की, जिनमें कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं के नाम होते थे। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाता है, ये दिखाता है कि राजनीतिक विडंबनाएं कभी कभी आपको मजबूर कर देती हैं कि कल तक जो आपकी खिलाफत कर रहे थे आज उन्हीं का समर्थन करने आप वहां पर आए हैं। और जहां तक रही बात भैया इंडी अलायंस की, इस अलायंस में एकता, जहां पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं। इसका भी मैं उदाहरण देता हूं, आम आदमी पार्टी संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तारीफें करेगी पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। तो जब ऐसा अलायंस होता है, आज किसी ने बोला मिलीजुली सरकार, बट अगर ये मिला जुलापन है जहां पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी के गारंटी को तेजस्वी यादव चाइनीज माल की गारंटी बता रहे हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है,
जिसने देश को दो दो बार स्थायी सरकार देने का काम किया, 2014 से बड़ी जीत 2019 में और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। आज की भी तारीख में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और ये 400 पार का लक्ष्य भी सरलता से हम लोग पार